चाहे आपको पसंद हो या ना हो, अगर आपको इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिकली ग्रो करना है तो आपको रील्स क्रिएट करना पड़ेगा। मैं लास्ट 90 दिन का मेरा इनसाइट्स बताऊं तो मेरा रील्स का रीच बहुत ज्यादा है कम्पेयर टू फोटोज। अब तक मेरी 26 रील्स को मोर देन 1 मिलियन व्यूज मिले हैं, उसमें से हाईएस्ट वायरल रील को 17.1 मिलियन व्यूज मिला है। बट आई अंडरस्टैंड रील्स क्रिएट करना इज डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग। इस वीडियो में मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से 5 स्टेप्स बताऊंगा एज टू हाउ टू क्रिएट वायरल रील्स। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हो तो मेरा नाम सनी है और मैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ बेस्ड इन इंडिया। इस वीडियो में मैं आपको मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा फ्रॉम शूटिंग द वीडियो टिल अपलोडिंग द रील। इससे आपके रील्स को शेयर्स और सेव्स ज्यादा मिलेगा और आपके रील के वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये सब आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे एक फेवर करो, ड्रॉप अ लाइक डाउन बिलो, दैट हेल्प्स द यूट्यूब एल्गोरिथम। 90% ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर मेरे वीडियोज हेल्पफुल लगे तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप ऑफ मेकिंग अ रील इज टू शूट अ वीडियो। इसमें दो टाइप के वीडियोस होते हैं, डजंट मैटर आप फोन से शूट कर रहे हो या फिर कैमरा से। फर्स्ट आप खुद को शूट कर रहे हो, एक टॉकिंग वीडियो बना रहे हो, या फिर सेकंड आप कुछ सिनेमैटिक शूट कर रहे हो। अगर आपको खुद को शूट करके रील बनाना हो तो आपको नेचुरल लाइट का सहारा लेना पड़ेगा। आपके घर का जो भी अच्छे कॉर्नर में लाइट आ रही होगी वहां पे शूट करो, बिकॉज ब्राइटर वीडियोस ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू डार्कर वीडियोस। अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहो तो आप रिंग लाइट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो टू शूट वीडियोस इन गुड लाइट। मैं डिस्क्रिप्शन में एक अच्छी रिंग लाइट की लिंक दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। आपका बैकग्राउंड वॉल शुड बी क्लीन एंड लाइट कलर प्रेफरेबली, बिकॉज अगर बाद में आपको टेक्स्ट डालना हो तो डाल सकते हो। अब आपको ये तो पता चल गया कि कैसे शूट करना है, बट कंटेंट किस पे बनाए और किस लैंग्वेज में। अगर आपको मैक्सिमम रीच चाहिए ग्लोबल ऑडियंस की तो आपको कंटेंट इंग्लिश में बनाना पड़ेगा फॉर यूनिवर्सल अपील। इंग्लिश में पढ़ना और लिखना इज वन थिंग, बट फ्लुएंटली बात कर पाना कैमरा के सामने इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। और सबसे बेस्ट तरीका टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर is having a conversation with native English speakers. Cambly एक ऐसा platform है जहाँ पे आप ये अचीव कर सकते हो। Cambly ने अभी recently group classes को launch किया है to make practicing English more affordable. ये इकलौता ऐसा learning platform है जहाँ पे आप English practice कर सकते हो with native speaking tutors from UK, US and Canada. हर एक group discussion 60 minute की class में होगा। There will be one tutor and up to 2 more students like you from countries like Japan, Brazil, Korea, etc. who are on a similar journey of becoming a fluent speaker. हर एक क्लास में एक्सरसाइजेस और कॉन्वर्जेशन होगी अराउंड अ पर्टिकुलर टॉपिक लाइक कल्चर, टेक्नोलॉजी, न्यूज, हॉबीज एक्सेट्रा। ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है उन लोगों के लिए जिनको अपना डर निकालना है और स्पीकिंग इन इंग्लिश इन अ पर्सनलाइज्ड, फ्रेंडली एंड नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट एंड मेक कनेक्शंस विद स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप मेरा कोड SG999 को यूज करके 1 महीने का ग्रुप क्लास को एक्सेस कर सकते हो एट अ 60% ऑफ फॉर 999 रुपीज ओनली। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के वीडियो की, जहाँ पे आप खुद को शूट नहीं कर रहे हो और कुछ सिनेमैटिक शूट कर रहे हो। मेरे केस में मैं खुद के वीडियोस ज्यादा नहीं डालता ऑन रील्स, मैं ट्रैवल वीडियोस ज्यादा शेयर करता हूँ, बिकॉज वो ही मेरा नीश है। आपको भी अपने नीश में ही वीडियोस बनाना चाहिए, और अगर आपको अपना नीश नहीं पता हो देन इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट। मेरे 95% रील्स आर शॉट ऑन फोन, आपको बस स्टेबल हैंड से शूट करना है एंड ट्राई डिफरेंट एंगल्स। अगर आपको इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिनी व्लॉग्स, POV, स्प्लिट स्क्रीन, स्लो मोशन सिनेमैटिक एंड समटाइम्स ट्रांजिशन वाले रील्स को क्रिएट करता हूँ। ये तो तब जब आपको पता है कि आपको किस पे रील्स बनानी है, बट अगर आपके पास कंटेंट आइडियाज नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाया ऑन 50 इजी इंस्टाग्राम रील आइडियाज, मैं आई लिंक पे डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट लेटर। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन की। देखो अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि सब लोग 4K 60fps पे शूट कर रहे वीडियोस, बट उसका कुछ फायदा नहीं है स्पेशली फॉर रील्स। इनफैक्ट इंस्टाग्राम आपकी रील्स को कॉम्प्रेस ही कर देगा, बिकॉज रिकमेंडेड रेजोल्यूशन इज 1080p 30fps। अगर आपको बाद में एडिटिंग में वीडियो को स्लो करना है तो आप तभी 60fps पे शूट करो, वरना जैसे मैं करता हूँ फॉर 95% ऑफ द टाइम आई शूट इन 1080p 30fps। इससे मेरी स्टोरेज भी बच जाती है और मेरी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी रहती है। अब आपने वीडियो को शूट कर लिया, द नेक्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग म्यूजिक। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है टू मेक योर रील्स गो वायरल। इनफैक्ट वीडियो को शूट करने से पहले मैं बहुत बार म्यूजिक को सिलेक्ट करता हूँ और उसके हिसाब से मैं शूट करता हूँ। अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो आपका फोकस शुड बी टू फाइंड ट्रेंडिंग ऑडियो फॉर योर रील्स। आपको रील्स टैब को ओपन करना है और जो भी ऑडियो के बाजू में एक छोटा सा एरो हो उसे यूज करो, बिकॉज वो ऑडियो ट्रेंडिंग पे है। बट क्या आपको सारे ट्रेंडिंग ऑडियो पे रील्स बनाना चाहिए? नहीं, आपको अर्ली ट्रेंडिंग ऑडियो पे फोकस करना चाहिए, मतलब जो भी ट्रेंडिंग ऑडियो जिसपे लेस देन 5000 रील्स
मनी हो उसको यूज करो, इससे आपकी रील के वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने मेरे रील्स में नोटिस किया है कि इफ आई मेक अ रील ऑन एन ऑलरेडी ट्रेंडिंग ऑडियो जिसपे 1 लाख लोगों ने रील बना दिया है, उस पर मुझे रीच बहुत कम आता है। समटाइम्स आप ओरिजिनल ऑडियो का भी रील्स को क्रिएट कर सकते हो, स्पेशली बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड डायलॉग्स जिससे बहुत लोग कनेक्ट करेंगे। मेरी एक रील जिसपे ओरिजिनल ऑडियो थी उसको 2.4 मिलियन व्यूज मिला है और मोर देन 5000 पीपल ने मेरे ऑडियो पे रील बनाई है, इससे मेरी प्रोफाइल विजिट्स बहुत बढ़ गए। अब आपने वीडियो को भी शूट कर लिया और ऑडियो को भी चूज कर लिया, द नेक्स्ट स्टेप इज एडिटिंग वीडियो। मैं मेरे फोन में VN वीडियो एडिटर पे वीडियोस को एडिट करता हूँ। ये एक फ्री ऐप है जो दोनों एंड्रॉइड और iOS पे काम करता है। मैं आपको बेसिकली मेरा एडिटिंग प्रोसेस बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप इज डाउनलोडिंग द ट्रेंडिंग ऑडियो। मैं इंस्टाग्राम पे वो ट्रेंडिंग ऑडियो का लिंक को कॉपी करूंगा, गूगल पे iGram सर्च करूंगा, जो भी पहला वेबसाइट आया उस पे लिंक को पेस्ट करूंगा और वीडियो को डाउनलोड करूंगा। नाउ लेट्स ओपन VN वीडियो एडिटर। स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, अपने वीडियो को चूज करो, म्यूजिक आइकॉन को क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, अभी आपने जो वीडियो को डाउनलोड किया था उसको चूज करो, एड टू न्यू एल्बम, यूज द ऑडियो। अब आपका वीडियो और ऑडियो दोनों आ गया आपकी टाइमलाइन में। अब मुझे ट्रांजिशन डालना हो तो मैं डाल सकता हूँ। इस ऐप में बहुत सारे ऑप्शंस हैं फॉर ट्रांजिशन। अब मैं कलर ग्रेड करूंगा। इस ऐप में बहुत सारे अच्छे फिल्टर्स हैं और आप एडजस्ट भी कर सकते हो। आपको टेक्स्ट डालना हो तो अभी डाल सकते हो, बट आई यूजुअली प्रेफर इंस्टाग्राम फॉन्ट्स, तो मैं बाद में टेक्स्ट डालूंगा। अब एक्सपोर्ट करते हैं 1080p 30fps अराउंड 10 mbps बिटरेट .mp4 फॉर्मेट और मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया। ऑल्सो ये मैंने बहुत मेरा सिंपल वर्कफ्लो बताया है। अगर आपको मेरी दूसरी वायरल रील्स की कॉम्प्लेक्स एडिटिंग को सीखना है तो मैंने उस पे भी वीडियो बनाया ऑन हाउ टू क्रिएट 30 रील्स इन 3 आवर्स। मैं आई लिंक में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट लेटर। अगर ये वीडियो आपको अब तक हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो। एक बार वीडियो एक्सपोर्ट हो गया तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। फर्स्टली आप कौन से टाइम पे अपलोड कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। इसके लिए आपको अपने इनसाइट्स को चेक करना पड़ेगा। गो टू इनसाइट्स, टोटल फॉलोअर्स, स्क्रॉल डाउन। अब आप देख सकते हो कौन से टाइम पे मेरी ऑडियंस ज्यादा एक्टिव है, उसके हिसाब से मैं मेरे रील्स को पोस्ट करूंगा। अकॉर्डिंग टू मी मॉर्निंग 11 AM टू 12:30 PM एंड 6 to 9 PM इन द इवनिंग वर्क्स बेस्ट फॉर मी। आप अपना इनसाइट चेक करके वो टाइम पे अपलोड करो जब भी आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अपलोडिंग इज कैप्शंस। आपको एक लॉन्ग और इनसाइटफुल कैप्शन को है। इससे लोग आपके रील में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और आपका रिटेंशन भी बढ़ जाएगा। ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन इन द कैप्शन, इससे आपकी ऑडियंस एंगेज करेगी आपके कमेंट्स में, दैट विल बूस्ट द एंगेजमेंट ऑफ योर रील। अब बात करते हैं हैशटैग्स की। अब ज्यादा हैशटैग डालने की गलती मत करना, आपको बस 3 से 10 हैशटैग्स को यूज करना है जो इंस्टाग्राम को हेल्प कर सके टू कैटेगराइज योर कॉन्टेंट। चलो अब रील अपलोड करते हैं। आपको वही ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज करना है वरना उसका बेनिफिट नहीं होगा आपके रील पे। अब मैं टेक्स्ट ऐड करूंगा। आपको मेक श्योर करना है कि आपका टेक्स्ट वो ब्लू लाइन के बीच में ही रहे। अगर आप कुछ ज्यादा ही टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम ऑफ द स्क्रीन में टेक्स्ट डालोगे तो आपका टेक्स्ट शायद कट हो सकता है दूसरों के फोन में। अब मैं कवर प्रोफाइल डालूंगा। मैं यूजुअली मेरी ही वीडियो में से फ्रेम निकाल के कवर इमेज बनाता हूं। अब मैं कैप्शन और हैशटैग को ऐड करूंगा। इंस्टाग्राम ने नया ऑप्शन दिया है टू ऐड टॉपिक्स। आपकी नीच के 3 टॉपिक्स को ऐड करो जिससे इंस्टाग्राम आपके रिलेवेंट ऑडियंस के सामने आपकी रील को दिखाएगी। एडवांस सेटिंग्स में जाओ, सबसे नीचे जाओ और अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी को ऑन कर दो। फाइनली शेयर योर रील। इसके बाद भी अभी एक स्टेप बाकी है। अगर आपको रील्स को मैक्सिमम रीच दिलाना हो तो खाली रील्स को क्रिएट करके अपलोड करना इज नॉट इनफ। यू हैव टू मेक श्योर के फर्स्ट फ्यू आवर्स में इसका रीच मैक्सिमम हो, बिकॉज इंस्टाग्राम का लाइफ स्पैन ऑफ वन रील इज लेस देन 48 आवर्स। मैं क्या करता हूँ, व्हेनेवर आई अपलोड उसके बाद मैं 15 मिनट इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ टू रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स ऑन माई रील एंड एंगेज विद अदर क्रिएटर्स रील्स। बिकॉज जब आप लाइक माइंडेड क्रिएटर्स के कॉन्टेंट पे एंगेज करते हो, आपके रील उनके प्रोफाइल में सबसे पहले आएगा व्हेनेवर दे ओपन देयर इंस्टाग्राम। रील के अपलोड होने के 3 से 4 घंटे बाद आपकी रील अपने स्टोरी में शेयर करो। इससे जो भी ऑडियंस आपकी स्टोरीज को देखेगी उनके पास भी आपका रील पहुंच जाएगा। रोज मिलियंस ऑफ रील्स अपलोड हो रही है और आपको एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट को रखना पड़ेगा। कंबाइन डिफरेंट आइडियाज, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टूल्स एंड थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आप कुछ ऐसा क्रिएट करो जो बस आपका खुद का हो, जहाँ पे ट्रेंड भी मैटर ना करे। आप खुद एक ट्रेंड बन जाओ या फिर आप खुद एक ट्रेंड स्टार्ट करो। बी अ ट्रेंड सेटर। आप जितना कंसिस्टेंटली एक्सपेरिमेंट करोगे आपके रील्स में उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे एंड मोर ओवर आपको वो मजा भी आएगा। Do follow these steps because it's worth a shot. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो kindly like the video and subscribe to my channel and be a part of this amazing community. आप मेरा काम चेक कर सकते हो on Instagram @worthashot. आपने मेरा रील मेकिंग प्रोसेस तो जान लिया, बट अगर आपको मेरी 2023 की Instagram ग्रोथ स्ट्रेटेजी को जानना हो तो क्लिक हियर टू वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।